सर, क्या है कि जो हमको हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर डोगरा जी ने बताया है, लेकिन बताया है कि उसको सस्पेंस में रखा जाए, अभी ओपन न किया जाए, और मुझे लगता है कि आपको बताया कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे मैडम आप इस फिल्म के लिए? कब्जा टाइटल जो है थोड़ा सा ये है ना कि सोचने वाले हैं कि कब्जा किस चीज़ का, कब्जा क्या चीज़ का कब्जा, तो थोड़ा सा टाइटल तो ऐसा ही है। और स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ हम लोग को भी नहीं बताया गया है और ना ही ओपन करने के लिए कहा मैं गया इनकी है। बात को काटता हूँ, कब्जा जमीन जायदाद का कब्जा नहीं है, हाँ इसलिए मैंने आपको सबसे पहले रोज दिया, ये दिल का कब्जा है। ओके जी जो जी हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं डोगरा जी, उन्होंने कुछ, क्योंकि भोजपुरी में कुछ हॉरर सिनेमा लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फिल्में आई हैं भोजपुरी में, जैसे दो तीन फिल्में आई हैं हॉरर, तो एक अलग हॉरर लाने की कोशिश है डोगरा साहब की। इनके साथ, इनकी टीम के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ, और बाकी जो आर्टिस्ट थे, को आर्टिस्ट थे, जैसे कि संजय सर हैं और बालेश्वर सर हैं, इनके साथ मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो उनसे तो डर नहीं लगता है। इस फिल्म में एक दीपक डॉक्टर का कैरेक्टर है और दिल्ली डायरेक्टर संजय लड़के भी हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे और सर का आशीर्वाद रहा तो आगे भी अच्छा काम। सर गाने में गाने काफी अच्छे अच्छे गाए हैं और आपने इनको हीरो बनाने जा रहे हैं, क्या ऐसा लगा इनके? ये टैलेंट है ना, जो टैलेंटेड आदमी है उसको मौका मिलना चाहिए। देखिए अभी काफ़ी लोग हैं जो अच्छा गाते हैं तो वो एज ए हीरो भी आ रहे हैं, सो अगर अमित आता है तो उसमें क्या नहीं होगा। दूसरी बात है कि नेचर कोऑपरेशन, अगर कोई भी नए आर्टिस्ट में या जो भी है उसमें अगर कोऑपरेशन और आगे काम करने की इच्छा है, अगर दिखाई देती है तो उसको चांस देने में कोई नहीं। मनोवैज्ञानिक फिल्म है जो साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है, या हॉरर फिल्म है पैरानॉर्मल एक्टिविटी से। सो ये जो दो चीज़ है इसके लिए आपको एंड तक रोना पड़ेगा जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं हुआ। शिव जी के त्रिशूल पे काशी लोग बड़े मतवा, भक्ति शक्ति के हन गेरी बम सगरो सुना। मेरा नाम लक्ष्य है और मैं इंडस्ट्री में अभी नया हूँ फिलहाल। अभी मैंने एक ही मूवी की है, लास्ट मूवी करम युक्ति, जिसमें मैं अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, तो ये मेरी सेकेंड मूवी है, एक्साइटेड हूँ, देखते हैं। किस तरह का कैरेक्टर है इसमें? भी मैं मतलब लीड ही कर रहा हूँ, मतलब हम दोनों लीड हैं, सो बेसिकली कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। मतलब कैरेक्टर के अगर मैं बारे में बताऊंगा तो शायद मज़ा नहीं आएगा, सस्पेंस रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तैयारी तो जोरी शोरों से चल रही है भाई, अब देखते हैं। हॉरर मूवी मेरी तो पहली मूवी है, मुझे तो पता नहीं अभी हॉरर मूवी में क्या करते हैं, और जो नॉर्मल एक्शन मूवी जो बनती है भोजपुरी में उसमें क्या होता है। लड़ेंगे डराने वाले से और क्या। मैं नहीं बिलीव करता, मैं देखा नहीं आज तक। अच्छे ताजी है मेरे तो, मतलब हाँ उनको काफ़ी शौक है फिल्म का, तो उन्हें लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो अच्छा लग रहा है कि मतलब ही हैज़ कि मतलब उनको मेरे पे कोई विश्वास है, उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं कर सकता हूँ, जिस वजह से उन्होंने मुझे इंडस्ट्री में लाया है। क्या लीड, मैं और अमित जी लीड करेंगे मूवी में, और जैसे मैंने बताया कि अमित जी साइकाइट्रिस्ट है, तो मेरा भी है स्ट्रॉन्ग रोल ही है, आसपास ही है, बट मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा सस्पेंस रखूँ। आने वाली फिल्म के बारे में कौन सी फिल्म? कर्मयुग, कर्मयुग
करम लोग काफ़ी अच्छी मूवी है, मतलब मेरी तो पहली मूवी है और उसमें मैं पुलिस वाले का रोल किया है, और सेकेंड मतलब जो हमारे मेन हीरो थे हृदय जी, उनके आज छोटे भाई का रोल किया है मैंने। नमस्कार, जितने लोग भी इन चैनलों को देख रहे हैं सबको, और मेरा नाम बालेश्वर सिंह है और आज इस फिल्म के मुहूर्त में आया हूँ जिस फिल्म का नाम है कब्जा, और लक्ष्मी मीडिया इसके प्रोड्यूसर हैं और करण जी जो हैं इसके डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं, और इस फिल्म में मैं एक अहम रोल निभा रहा हूँ जो बहुत ही स्पेशल है। अब तक मैं विलन करता था लेकिन इस फिल्म में विलन हूँ भी नहीं भी हूँ, तो काफ़ी अच्छा रोल है और देखते हैं जा रही है शूट पे ये सितंबर में। सर, इस फिल्म में विलन एक भूत वाला विलन है या फिर आम विलन है, दो कैरेक्टर? पूरी कहानी बताने के लिए तो मुझे मना किया गया है, लेकिन यह है कि मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ कि कैरेक्टर जो है मेरा एक सिद्ध पुरुष का है जो तंत्र और मंत्र भी जानता है, और जब समस्याएं आती हैं तो उससे लड़ने की मैं कोशिश करता हूँ, और जो इस फिल्म के हीरो हैं वो मेरे बेटे बने हुए हैं, तो मैं उनका सहयोग करता हूँ, उनका साथ देता हूँ। तो मेरे लाइफ में एक थोड़ा सा अलग कैरेक्टर है, जब तक तो हमने पॉजिटिव भी किया है ना, काफ़ी फिल्म में पॉजिटिव किया है, लेकिन इस फिल्म में कुछ है अलग अलग है मेरे लिए। ये मुझसे बेटर तो ज़्यादा डायरेक्टर साहब हमारे बता सकते हैं, फिल्म में जो प्रोड्यूसर भी हैं। ये है कि सस्पेंस ये भी रखा गया कि अभी सारी कास्टिंग अभी हुई नहीं है, और कास्टिंग अभी सी हो रही है, लेकिन कुछ कास्टिंग जैसे हो गई, जैसे मैं हूँ, क्रिस जी हैं और भी काफ़ी लोग हैं, तो ये है कि सिनेमा इसके पहले भी करण जी बना चुके हैं और ये दूसरी सिनेमा है इनकी भोजपुरी की, तो अच्छा ही बनाएंगे क्योंकि पहले से तो काफ़ी कोशिश करेंगे अच्छा बने, और हम लोग जिस तरह से अभी चल रहा है स्टोरी, चाहे छोटे बाबा इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं और गाना वाना जिस तरह से बन रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि फिल्म बहुत ही अच्छी बने। इस पिक्चर के लिए तो हम लोग पहले से ही डिस्कशन कर रहे थे, काफ़ी दिनों से काफ़ी डिस्कशन चल रहा था, तो करण जी ने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैसे पिक्चर बना रहे हैं, तो ये बहुत तैयारी के साथ पिक्चर बना रहे हैं हम लोग, इसमें बिल्डिंग से ही जुड़े हैं, और ये जो आज का जो सिचुएशंस है इस पर ये अलग लुक पिक्चर का जो है प्लान कर रहे हैं, तो बिल्कुल भोजपुरी जो है वो मूवी आपकी दिखेगी डायलॉग वाइज, और बट ये आपको हिंदी का लुक पूरा देगा आपको मूवी, तो जैसा प्लान उन्होंने किया, इसमें सारे सर का तो साथ नहीं, सर पे हाथ मिला है, और मैं सर से इसलिए जुड़ना चाहता हूँ, और बिगिनिंग से इसलिए मैंने उनको बार बार एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, उसका कारण भी ये था कि आमतौर पे जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, वो सब कुछ बना लेता है और बाद में लाके वो आगे प्रेजेंटेशन के लिए देता है, बट जनरली वो ये नहीं सोचता है कि म्यूज़िक कंपनी हो या वीडियो सैटेलाइट या सैटेलाइट मीडिया हो या वायरलेस मीडिया हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वो लोग क्या चाहते हैं, तो हर बार हम थोपे हैं, उससे तो अच्छा है कि नहीं यार मिल के बनाए ना, बिकॉज सर की भी तो कुछ रिक्वायरमेंट होगी, उनकी भी कोई इच्छा होगी। हम गिरीश शर्मा अरोवर से आशीर्वाद चाहते हैं, नई फिल्म आज कब्जा के मुहूर्त भेगा, जर हीरो हमारे सामने लक्ष्य बाबू बारा अरोवर लोग आशीर्वाद भी ही, उनके साथ हम दूसरा फिल्म करे जाता है कर्मयू, विकेश पांडे जी उकरा में हीरो बारा और साथ में यही ये भी हीरो बारा, दोनों फिल्म बहुत वो फिल्म बहुत बढ़िया बनल बा, ये भी फिल्म बहुत बढ़िया बनी जा रहा है, हम फिल्म के दौरान इनका काम के देखने बहुत बढ़िया लगल, यही हम कहब, हमरा के बहुत खुशी हो रहा बा कि हम एक फिल्म के ही अभिन्न अंग बा। किस तरह का फिल्म हो गए? जैसा कि लोग के कब्जा से मालूम बा, एक में ही दिखावा जाए कि केकर कब्जा हो, विलेन पक्ष के कब्जा हो कि हीरोइन की कब्जा हो, इस ढंग के कहा नहीं, किस पे कब्जा हो, हीरोइन पे ही कब्जा हो, नहीं कहा कि ये फिल्म के रोवर देखी और करण जी के
डायरेक्शन में जो फिल्म बन रहा बा एक सराही रहुआ लोग प्यार से देखी। बहुत बढ़िया कहानी करण जी निकले बारह ये हमारा के विश्वास बा कहानी सुनौले रहा बहुत बढ़िया कहानी बा और लक्ष्य दूसरी फिल्म के रूप में आवत बा पिक्चर से हम दर्शकों से जरूरी फिल्म के देखी।